आप सभी का हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब्स में स्वागत है। जॉब से एडमिट कार्ड, रिजल्ट, स्कॉलरशिप से जुड़ी सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज इस वीडियो में हम आपको गाइड करने जा रहे हैं बिहार अमीन कानूनगो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। जो सभी कैंडिडेट्स बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बिहार रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने बिहार अमीन कानूनगो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन रिलीज करी है। इसमें बहुत सी डिफरेंट वैकेंट सीट्स हैं। जो सभी कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, वो सभी कैंडिडेट्स इसकी लास्ट डेट से पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट में किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन से जुड़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए सभी कैंडिडेट्स हमारी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। इसकी पूरी जानकारी जानने के लिए चलते हैं हमारी वेबसाइट gayatrijobs.com पे। बिहार रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने बिहार अमीन कानूनगो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन रिलीज़ करी है। जो सभी कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स हमारी वेबसाइट के जरिए इसके एप्लीकेशन फॉर्म में इजी वे में अप्लाई कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट में टोटल 31,290 वैकेंट सीट्स हैं अमीन रिवेन्यू इंस्पेक्टर कानूनगो और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए। जो सभी कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट में इंटरेस्टेड हैं, वो सभी कैंडिडेट्स इस इमेज पर क्लिक करके भी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन संविदा पर 31,290 नवसर्जित पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है। इस बाबत राज्य सरकार ने जारी गजट में पूरी जानकारी स्पष्ट कर दी है। बहाली के लिए विभागीय स्तर पर राष्ट्रीय क्लियरेंस आदि का काम भी पूरा हो गया है। राज्य में विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम व राष्ट्रीय भू अभिलेख व प्रबंधन कार्यक्रम को चालू रखने के लिए यह बहालियों की जारी रही है। इनसे राजस्व मानचित्रों व खाद्यान्न के अपडेट करने की प्रक्रिया को काफ़ी मदद मिलेगी। 2 वर्ष तक चलने वाली इस योजना पर केंद्र सरकार के करीब 1,74,07,00,000 खर्च होंगे। 2 तरह के शैक्षणिक योग्यता रखने वालों की बहिल अमीन के पद पर होगी। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थियों से विशेष सर्वेक्षण अमीन का काम लिया जाएगा। इस योग्यता वालों के लिए 20,669 पद पर अमीनों की बहाली की जाएगी। इसके अलावा अमानत में डिप्लोमा व ITI से सर्वेयर परीक्षण वाले युवकों को भी अमीन की नौकरी मिलेगी। ऐसे डिप्लोमाधारी के लिए 2,297 पद अलग से सर्जित किए गए हैं। इस रिक्रूटमेंट में वैकेंसी डिटेल्स हैं। अमीन में टोटल 20,669 पोस्ट, रिवेन्यू इंस्पेक्टर कानूनगो में 2,297 पोस्ट, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर में 1,203 पोस्ट, क्लर्क में 70 पोस्ट, स्पेशल सर्वे क्लर्क में 2,406 पोस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर में 38 पोस्ट। इन वैकेंट सीट्स में अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। जो सभी कैंडिडेट्स अमीन की पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। रिवेन्यू इंस्पेक्टर कानूनगो की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और कैंडिडेट्स के पास 3 से 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास BTech सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और जो सभी कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स को चेक करने के लिए हमारी इस वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहिए। और सभी कैंडिडेट्स इनकी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके भी इस रिक्रूटमेंट की और इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।